हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन वर्सेस सोडियम थायोसल्फेट। यानी कि आज हम आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है, यानी कि ए आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है। एम टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O एंड यूजिंग दिस सॉल्यूशन डिटरमाइन द नॉर्मलिटी मोलारिटी एंड ग्राम पर लीटर ऑफ द गिवन एक्स नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट का 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे और उसका यूज करके एक्स नॉर्मल आयोडीन के सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी मोलारिटी एन ग्राम पर लीटर तय करेगी। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट 100 ml। सोडियम थायोसल्फेट का 100 ml 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का कितना अमाउंट हमें लेना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O का मॉलिकुलर वेट है 248 ग्राम और उसका इक्विवेलेंट वेट है मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन में एक ही चेंज होता है, यानी कि मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी 1 इज इक्वल टू 248 ग्राम। यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों 248 ग्राम होगा। यानी कि 248 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट का वेट करेगी और डिस्टिल वाटर में डिजल करके 1000 ml सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसकी नॉर्मलिटी 1 नॉर्मल होगी। जबकि हमें 100 ml 0.1 नॉर्मल बनाना है तो यहाँ 1000 ml 0.1 नॉर्मल बनाना है तो 24.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट का वेट करना पड़ेगा। जबकि 100 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के लिए 2.48 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट का वेट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल का 2.48 ग्राम वेट करेंगे और डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके मेजरिंग फ्लास्क में उसका 100 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर ऐड करके बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन, ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml एक्स नॉर्मल आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे। इंडिकेटर स्टार सॉल्यूशन ऐड करेंगे। यहाँ कलर चेंज शुरू में पेल येलो कलर मिलने के बाद स्टार सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तब सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। बाद में एंड पॉइंट पे ब्लू टू कलरलेस होगा। रिएक्शन इक्वेशन, यहाँ सोडियम थायोसल्फेट और I2 के बीच ऑक्सीडेशन रिएक्शन से सोडियम टेट्रा थायोनेट और सोडियम आयोडाइड बनता है। रिक्वायरमेंट है एक्स नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट का 100 ml 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का 2.48 ग्राम वेट करेंगे और उसको बीकर में ट्रांसफर करेंगे। बाद में डिस्टिल वाटर ऐड करके मिनिमम डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे। ग्लास रॉड से शेकिंग करके सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को कम्प्लीटली डिजोल्व करेंगे। बाद में इस क्लियर सॉल्यूशन को 100 ml के मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करेंगे। बीकर में 2-3 बार डिस्टिल वाटर के वॉश देंगे और उसको 100 ml के मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। बाद में डिस्टिल वाटर ऐड करके 100 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे।
मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर वाले हिस्से में मेजरिंग फ्लास्क के मार तक पिपेट के जरिए ड्रॉप वाइज पानी ऐड करके 100 ml सोडियम थायोसल्फेट का 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे। बाद में सोडियम थायोसल्फेट के इस 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन को बीकर में ट्रांसफर करेंगे। और उसको ब्यूरेट में फिलअप करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को ब्यूरेट में 0 ml के मार्क तक फिलअप करेंगे। अब एक्स नॉर्मल आयोडीन का सॉल्यूशन 10 ml पिपेट से सकअप करेंगे। और उसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। बाद में उसका 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट पेल येलो कलर यानी कि हल्का पीला रंग मिलने तक टाइट्रेशन करेंगे। पेल येलो कलर मिलने के बाद उसमें 1 to 2 ml फ्लेक्सी पिपेड स्टार सॉल्यूशन इंडिकेटर ऐड करेंगे, तब सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। अब कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस हो जाए तब तक ब्यूरेट में से ड्रॉप वाइज सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। यहाँ कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस हो गया है और ब्यूरेट रीडिंग पायलट रीडिंग है 13.0 ml। अब एग्जैक्ट रीडिंग तय करने के लिए 10 ml एक्स नॉर्मल आयोडीन का सॉल्यूशन सकअप करेंगे। और उसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। बाद में उसका ब्यूरेट में फिलअप 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे। पेल येलो कलर मिलने तक ब्यूरेट में से सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। पेल येलो कलर होने के बाद उसमें 2 to 3 ml स्टार सॉल्यूशन इंडिकेटर ऐड करेंगे, तब सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। अब ब्यूरेट में से थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करने से एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा। यह कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस हो गया है और ब्यूरेट रीडिंग है 12.5 ml। हमें ब्यूरेट रीडिंग में पायलट रीडिंग मिला है 13.0 ml जबकि एग्जैक्ट रीडिंग मिला है 12.5 ml। यानी कि 10 ml एक्स नॉर्मल आयोडीन के सॉल्यूशन के लिए 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 12.5 ml। कैलकुलेशन ए नॉर्मलिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इक्वेशन का यूज करेंगे। N1V1 सोडियम थायोसल्फेट और N2V2 I2। आयोडीन की नॉर्मलिटी हमें कैलकुलेट करनी है इसलिए N2 इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V2 होगा। N1 सोडियम थायोसल्फेट की नॉर्मलिटी 0.1 है और उसका 12.5 ml 10 ml आयोडीन के ऑक्सीडेशन में यूज हुआ था, यानी कि यहाँ 12.5 ml V2 और V1 होगा 10 ml। और हमें 1.1 × 12.5/10 मिलेगा 0.125 नॉर्मल, यानी कि
The normality of iodine solution is 0.125 normal. B, gram per liter of I2 solution. Gram per liter of iodine solution is equal to normality into equivalent weight. Normality 0.125 हमें मिली है, जबकि आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट है 127, यानी कि ग्राम पर लीटर होगा 15.875 ग्राम पर लीटर. मोलारिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मालिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. नॉर्मालिटी 0.125 एंड इक्विवेलेंट वेट 127 है, जबकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट 254 ग्राम पर मोल है, यानी कि मोलारिटी हमें मोलारिटी मिलेगी 0.0625 मोल. रिजल्ट्स, एक नॉर्मालिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन 0.125 नॉर्मल. टू, ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू 15.875 ग्राम पर लीटर. 3, मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.0625 मोल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.